60-70% मेंस में बॉल्डनेस की इश्यूज रेगुलर बेसिस पर बढ़ रहे हैं। हेयर केयर इज नॉट सिंपल टुडे। पीपल हैव ओवरयूज थिंग्स एंड दे आर हैविंग साइड इफेक्ट्स विद इट। इंडिया में बहुत पैसा है। कंज्यूमरिज्म इज एट इट्स पीक। बहुत ज्यादा पैसा है। People have become very prone to bringing out new trends. आज मैं SLS को प्रेम करूंगी, कल मैं पैराबेंस को करूंगी। हमारी कंट्री में बहुत हो गया है। Because सबके पास पैसा है, they want to experiment. ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। That's not the solution. The point is organic market कितनी organic है? प्याज का रस और एग लगाने से होते हैं फायदे कुछ? So why are you washing your hair every day and applying shampoo? That's the worst thing you can do for your hair. बचपन में कभी ऐसा किया है कि रोज 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 शैम्पू लगा रहे हो, रोज रोज बाल धो रहे हो? नहीं। ग्रोइंग अप एज एन इंडियन मुझे इतना पता है दैट हमारे रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स हु आर पेड टू इन्फ्लुएंस यू। हेयर लॉस का एक रीजन मास्टरबेशन भी होता है। मन बाल ठीक लग रहे हैं, देखियो चेक करियो भाई, इससे ही आता है सारा लुक यार, तुझे पता ही है। मैं ही नहीं, ऑलमोस्ट हर एक पर्सन ये चीज़ सोचता है एंड वो चाहता है कि उनके बाल बहुत अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि हर जगह जब भी हम जाते हैं तो हमारे लुक को तो देखा जाता है। तो आपको पता है कि इन बालों को प्रोटेक्ट करने के लिए लोग कितना कुछ करते हैं, बट फिर भी उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अराइज होने लग गई हैं। दैट इज़ हेयर लॉस एंड बॉल्डनेस, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं इंडिया में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनता जा रहा है। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ हम लोगों ने इन्हीं दो टॉपिक्स पर बात करी है, जहाँ पर हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं कि आप अपने हेयर लॉस को कैसे बचा सकते हैं, बॉल्डनेस के इशू को कैसे आप लोग टैकल कर सकते हैं, एंड स्टार्टिंग से ही लाइक यंग स्टेज से ही आप कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे एक हेल्दी लाइफस्टाइल बनाने में। सो टुडे वी हैव डॉक्टर तानिया बख्शी, MD ऑफ बैक्सन होम्योपैथी, जिनके साथ हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। एंड आई वॉन्ट कि अगर आपके साथ हेयर लॉस या फिर बालों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम छोटी से छोटी है तो आप इस पॉडकास्ट को थ्रू आउट पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम लोगों ने हर एक चीज, हर एक फैक्टर को डिस्कस किया है, मिथ से लेकर हर रेमेडीज पर बात करी है जो कि आपके घर में ही एग्जिस्ट करती है बट आप उस पर फोकस नहीं करते हो। ऑलराइट गाइस, सो टुडे वी हैव डॉक्टर बख्शी विद अस एंड हम लोग आज उन टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं जो ऑलमोस्ट हर एक पर्सन, जो भी लाइक मेरी ऑडियंस ना ऑलमोस्ट सारी जिंजी है एंड 18 टू मैक्स 30 तक हम लोगों की ऑडियंस है, तो हर एक पर्सन ना यहाँ पर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ के साथ रहता है एंड इतने फास्ट ग्रोइंग एनवायरमेंट में हर एक नए दिन एक नई इनसिक्योरिटी है। बट उन सब में से ना एक सबसे जो मेजर इनसिक्योरिटी है जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स, अब हम थोड़े से यंग हो गए हैं तो हम फेस कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आप रेगुलर बेसिस पर यंगस्टर्स से मिलते होंगे जो कि ये इनसिक्योरिटी फेस करें, दैट इज़ हेयर प्रॉब्लम्स। एंड ये इतना ज़्यादा हाइप्ड अप है हमारे इंडियन मार्केट में, लोग यहाँ से टर्की जाते हैं कुछ कराने, इंडियन मार्केट में भी बहुत सारे नए ब्रांड्स आ गए हैं जो कि इस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, कमिटमेंट्स करते हैं। तो मैं ना सारी चीज़ों के बारे में अच्छे से आपसे बात करना चाहता हूँ सो दैट एक एक्चुअल एंड ऑथेंटिक जो कि मार्केट में ना जो इन्फॉर्मेशन नहीं है वो हम पहुंचा सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड एक्सेप्टिंग अस लाइक आवर इनविटेशन। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट्स ऑलवेज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू मीट पीपल लाइक यू बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड व्हाट यू ब्रिंग टू द टेबल। थैंक यू सो मच। सो हम पहले ही टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं कि जेंजी में ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा क्यों है। मैं जब आपके पॉडकास्ट से रिलेटेड थोड़ी रिसर्च कर रहा था तो मेरे को एक लाइक पता चला, एक आर्टिकल में मैंने पढ़ा कि 60-70% मेंस में बॉल्डनेस की इश्यूज रेगुलर बेसिस पर बढ़ रहे हैं, तो ये इंडियन मार्केट या ऑल ओवर वर्ल्ड में इतना ज़्यादा क्यों मतलब बढ़ता जा रहा है? सडनली पहले तो नहीं था। एग्जैक्टली जब हम बच्ची थी तब तो किसी का नहीं हो रहा था प्रॉब्लम हेयर फॉल का, बॉल्डनेस का। अब क्यों इतना हो रहा है? अब क्यों 40-50 साल में लोग एक्चुअली हेयर थिनिंग और बॉल्डनेस की तरफ जा रहे हैं? राइट, दैट्स योर मेजर क्वेश्चन। राइट, सो देयर आर फ्यू फैक्टर्स टू इट साहिल।
हेयर लॉस कभी ओवरनाइट नहीं आता, राइट? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस, ये बहुत सारे कारण होते हैं जिसके वजह से हेयर फॉल शुरू होता है. आजकल अगर आप टाइप्स देखोगे, देयर इज फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, देयर इज मेल पैटर्न बॉल्डनेस. मेल पैटर्न बॉल्डनेस में क्राउन एरिया से सारे बाल चले जाते हैं एंड यू हैव हेयर लेफ्ट ओनली ऑन द साइड्स, राइट? फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस होता है, जैसे आप ही देख रहे हो, यहाँ से हेयर लॉस शुरू होगा, थिनिंग यहाँ से शुरू हो जाएगी और कम होते जाते हैं, बीच में वो दिखना स्टार्ट हो जाता है, right? जैसे अगर मम्मीज बाल बनाती है या अगर मेहंदी लगाती है तो आपको देखिएगा उनकी स्किन दिखनी शुरू हो रही है, स्कैल्प दिखना शुरू हो रहा है. दैट्स हेयर थिनिंग फॉर वुमेन. बट क्या अब बच्चों में नहीं होती? होती है. क्या एलोपेशिया कोई ऐसी चीज है? जी, डेफिनेटली. एलोपेशिया इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ हेयर लॉस ओनली, वेयर ड्यू टू एनी काइंड ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रेस इज ऑटो इम्यून. सो बेसिकली देयर इज अ पैच दैट क्रिएट दैट इज क्रिएटेड ऑन योर स्कैल्प, जहां से सारे बाल चले जाते हैं, फॉलिकल्स डेड हो जाते हैं, एंड योर हेयर गोज इन टू समथिंग नोन एज अ स्लीपिंग फेज एंड वी डोंट वेक अप. सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट हैपन्स इन हेयर लॉस. बट आपका मेन क्वेश्चन है कि क्यों हेयर लॉस आज इतना हो रहा है और इतना ज्यादा पेस पे हो रहा है, लाइक मतलब 60-70, मतलब एक चार में से तीन बंदों को ये चीज है, प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं. टॉप थ्री रीजंस ऑफ व्हाई यंगस्टर्स हैव हेयर लॉस टुडे अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस आर, नंबर वन, द स्ट्रेस इन आवर लाइफस्टाइल. पीपल आर नॉट स्लीपिंग ऑन टाइम, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, स्ट्रेसिंग, नाइट वॉचिंग, दे आर अब्सॉर्ब्ड एंड दे आर डन एंड डस्टेड. जितना एग्जॉशन आज एक इंसान को होता है शायद ही पहले होता होगा, नहीं होता. एंड वी लव स्क्रीन्स टुडे, एज यू ऑल नो, वी लव स्क्रीन्स, दिस इज वॉच्ड ऑन अ स्क्रीन. The more we do screen watching, the problem is the less we are going outside. The less we go outside, the less we exercise, the more we are stressed. Right? Number one reason, stress, chahe wo physical ho ya mental ho. Right? Second reason is our nutrition profile. हमारे बॉडी का न्यूट्रिशन क्यों कम हो जा रहा है? आपको याद है पहले जमाने में हमारी दादीज मदर्स सब्जियां सुखाते थे छत पे. हर सब्जी सूखती थी, गाजर भी सूखती थी, टमाटर भी सूखता था, मशरूम भी सूखता था. क्यों सूखता था? क्योंकि उसको सन रेज से वाइटामिन डी अब्सॉर्ब होता था और वो हमारे खानों में जाता था, राइट? अब नहीं होता. अब हम जाते हैं, आई वोंट नेम द प्लेटफॉर्म, बट ऑर्डर कर लेते हैं, राइट? न्यूट्रिशन प्रोफाइल हमारी सॉइल में भी कम है. हमारी सॉइल्स ओवर कमर्शलाइज्ड हो चुकी हैं, राइट? सॉइल में जब मिनरल रहेगा नहीं, आपको अपने को मिलेगा क्या? राइट? थर्ड, फर्टिलाइजर्स इतने हो गए हैं, न्यूट्रिशन बचा ही नहीं है. जो आपको न्यूट्रिशन बोल के भी न्यूट्रिशन बेच रहे हैं उसमें है कितना? द पॉइंट इज, ऑर्गेनिक मार्केट कितनी ऑर्गेनिक है, राइट? ऑर्गेनिक मार्केट कितनी एक्चुअली ऑर्गेनिक है ये हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? सो वी आर नॉट ईटिंग ऑन टाइम एंड वी आर नॉट ईटिंग द राइट थिंग्स. हमें बताया नहीं गया हेयर के लिए क्या खाओ क्या नहीं खाओ. सेकंड रीजन ये हो गया. थर्ड रीजन आई हैव सीन इन मेन इज नॉट हैविंग द राइट प्रैक्टिस अबाउट हेयर केयर ऑल्सो. सो दीज आर द टॉप थ्री रीजंस अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस. एक न्यूट्रिशन था, एक आपका स्ट्रेस था, थर्ड इज हैविंग नॉट हैविंग अ प्रॉपर रूटीन और लाइफस्टाइल फॉर योर हेयर केयर हैबिट्स. अब मैं ये नहीं कह रही जिस तरह के आठ स्टेप स्किन केयर कर रहे हो, आठ स्टेप हेयर केयर कर लो. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग वी आर ओवर यूजिंग थिंग्स. हेयर केयर इज नॉट सिंपल टुडे. पीपल हैव ओवर यूज थिंग्स एंड दे आर हैविंग साइड इफेक्ट्स ऑफ इट. सो समबडी, या जेल, एब्सोल्यूटली. सो जेल एंड वैक्स कोई हेल्पफुल थोड़ी है हमारे लिए. सुपर हार्मफुल, मेक्स योर हेयर सुपर स्टिकी, ओके, राइट? So if you are waxing and gelling your hair every single day and you have genetic, you have genetically, you're prone to male pattern baldness, then you're stuffed. गए फिर तो. क्यों? Because एक तो आप बाल पतले कर रहे हो बार बार. दूसरा ill habit of not having proper hair care is washing your hair every day. Okay. So why are you washing your hair every day and applying shampoo? That's the worst thing you can do for your hair. The worst. अब आप बोलोगे कि बाकी डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि हमें रोज धोना चाहिए every alternate day. हाँ, कि dust इतना ज़्यादा है environment में तो regular wash is important something. But is it really important? Okay. Have we checked the pH of our scalp? Have we seen if our scalp is dirty? No, yeah. Right? Have you ever seen your grandparents use shampoo every day? No, not your grandmother, all. Not at all. In fact, उन्होंने तो use ही नहीं किया shampoo. Right? उनके time पे क्या herbs चलती थी? Herbs से धो लेते थे बाल, right? उसी में करना, उसी में जीना. हमारी ईज और कन्वीनियंस के लिए हमने डेवलप किए ये टूल्स आज, राइट? अब उसी टूल से हम फंस रहे हैं. क्योंकि व्हाई आर वी, द मोर यू वॉश योर हेयर द वीकर विल बिकम. वेट हेयर इज प्रोन टू डैमेज. वेट हेयर में कंघी क्यों नहीं करनी चाहिए? और बाल टूटेंगे. वी आर मूविंग अवे फ्रॉम गुड हेयर केयर प्रैक्टिसेस ऑफ ऑयलिंग आवर हेयर.
ऑफ हैविंग पॉजिटिव प्रोडक्ट्स, अ गुड प्रोडक्ट्स जिसमें हर्ब कंटेंट अच्छा हो. कौन यूज कर रहा है आजकल? सब ऑयलिंग इज लाइक राइट फॉर द अकॉर्डिंग टू माय प्रैक्टिस एंड अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट आई हैव डन. यस, ऑयलिंग डन विद द राइट ऑयल्स, विद द राइट ऑयल्स व्हिच हैव द प्रॉपर न्यूट्रिशन दैट ऑफ एवरी हर्ब पॉसिबल डज गिव यू रिजल्ट. क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ज़्यादा ऑयलिंग या ऑयलिंग करने से आपके फेस पे एक्ने का आता है और फिर उसके बाद पिंपल्स आते हैं. तो फिर उससे मतलब यंग एक पर्सन है जो वैसे ही ये सारी चीज़ों को देख रहा है एंड फिर वो पीछे भागता है कि मैं ऑयल करूँगा तो नेक्स्ट डे मेरे एक पिम्पल आ जाएगा या एक्ने आ जाएगा. तो फिर उस चीज़ से फिर कैसे हम लोग? हम जब ऑयल लगाते हैं अपने स्कैल्प पे लगाते हैं, राइट? अब मैंने क्या बोला, अगर आपकी ऑयल का क्वालिटी अच्छा हो, गुड क्वालिटी ऑयल, मैंने बोला ना न्यूट्रिशन रिच ऑयल जिसमें हर्ब्स अच्छी हो, दैट विल नेवर कॉज एनी हार्म. इफ यू आर टेकिंग ओवर द काउंटर ऑयल्स, यू आर पुटिंग देम एंड यू आर टेलिंग मी अच्छा मेरे को बुरा रिजल्ट आया, अब उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, राइट? अच्छे ऑयल्स मींस एग्जिस्ट करते हैं, एंड बहुत अच्छे करते हैं. आई हैव यूज्ड, I personally, if I can name it. Stop. आप देख पा रहे हैं कि कितने सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बट फिर भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं मेक श्योर करता हूं कि रेगुलर बेसिस पर अच्छे गेस्ट एंड अच्छी नॉलेज मैं रेगुलर आप तक पहुंचाता रहूंगा. आई यूज द जबरंडी एड ऑयल. उसमें 5 मदर टिंचर्स डली है, मुझे पता है, और वो कम्प्लीटली सेफ है. मैं उसको यूज करती हूं. ऑर्गेनिक है. ऑर्गेनिक, अब ये जो ऑर्गेनिक भी शब्द है ना, ये बहुत बड़ा है. पीपल कैन नॉट लेबल ऑर्गेनिक सो इजीली. क्यों? क्या आपकी हर्ब्स ऑर्गेनिक है वहां पे जो आ रही है? और क्या ऑर्गेनिक एक्चुअली ऑर्गेनिक आपके लिए सही भी है? ऑर्गेनिक है या नेचुरल है डिपेंड करता है कि मतलब किसी के स्कैल्प पे कोई स्किन रहती है, किसी की स्किन कुछ होती है, तो ऑयल उसके लिए वो दूसरा अच्छा है और दूसरा अच्छा है, ये डिपेंड करता है. ऑल्सो हैव यू यूज्ड SLS फ्री शैम्पूज? नहीं, मैंने. SLS फ्री इज सल्फेट फ्री शैम्पूज. बहुत बड़ा मार्केट में रोड चल रहा है सल्फेट फ्री. अनियन में क्या होता है? सल्फर, जो आपको हेयर ग्रोथ देता है. तो हम जो SLS की एक इंग्रेडिएंट लेके उसको बैड बना देते हैं. आपको पता है सोडियम लॉरल सल्फेट जो हर शैम्पू में है आपको झाग देता है, वो साथ ही में आपके टूथपेस्ट में भी एक फॉर्म में होता है जो आपको झाग देता है, राइट? अब आप मुझे कह रहे हो कि सोडियम लॉरल सल्फेट या SLS से आपके बाल गिर रहे हैं, दैट कैन नॉट बी वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस. देयर आर मेनी रीजंस फॉर हेयर फॉल. हाउ इज इट पॉसिबल? लाइक जस्ट थिंक अबाउट इट. SLS एट दिस पॉसिबिलिटी इतने सालों से चल रहा था मार्केट में. SLS चल रहा है, सल्फेट चल रहा है, अब हमें सल्फेट फ्री शैम्पू चाहिए. क्यों? पीपल हैव बिकम वेरी प्रोन टू ब्रिंगिंग आउट न्यू ट्रेंड्स. आज मैं SLS को ब्लेम करूंगी, कल मैं पैराबिन्स को करूंगी, परसों मैं किसी एसिड को ब्लेम करूंगी, राइट? किसी दिन किसी और को. दीज आर ऑल ट्रेंड्स. आई बिलीव इन वन थिंग. सी, आई हैव नोटिस विद माई पेशेंट प्रैक्टिस एंड माई कस्टमर बेस एंड आई वांट people if they get results with your product they don't care what organic is, what inorganic is, what natural is. These are all labels. So is SLS and so is paraben for me. For me, if I'm getting the right results and my hair is perfect and it's not falling and it's soft and nice, I will want that product. Right. Of course, जैसे results आ रहे हैं तो why will we drop that? कि हम लोग उसको use करेंगे अपनी regular life में. अब यहीं से एक पॉइंट आता है कि प्याज का रस और एग लगाने से होते हैं फायदे कुछ? I've grown up with that. साहिल में झूठ नहीं बोल सकती. मैं एक ऐसे हाउसहोल्ड में ग्रो अप हुई थी जहाँ एवरी फ्राइडे सैटरडे हमारे सर पे अंडा और दही लगता था. एंड आई हैव ग्रोन अप विद दैट. एंड हमारे भी आज भी तेल में अनियन का रस जाता है. अभी भी अगर आप अनियन को काटो और उसमें अगर मिक्सी में डालो, एक बहुत गंदी स्मेल आती है अनियन की, बट एक्चुअल में इट्स वेरी गुड. सो माई होल पॉइंट इज आपको जो अनियन उसके ओरिजिनल फॉर्म में मिल रहा है वो आपके लिए अच्छा है. अंडा क्यों अच्छा है आप लोगों के लिए? बिकॉज इट्स अ कंप्लीट प्रोटीन. इट्स द बेस्ट प्रोटीन फॉर योर हेयर. व्हाट इज दिस? दिस इज केराटिन. दिस इज डेड प्रोटीन एज दे से, राइट? सो योर हेयर इज जस्ट बेसिकली डेड फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन योर बॉडी. एंड दिस हेयर is enriched with protein treatment जो आप पार्लर में जाके करा रहे हो. पहले जमाने में प्रोटीन ट्रीटमेंट्स क्या होते थे? एग और दही लगा लेना. क्योंकि दही में, if I'm not wrong, लोगों ने तो बहुत बार सुना है बट मैंने ट्राई नहीं किया, बट आई विल ट्राई, कि प्याज के रस से बहुत अच्छी ग्रोथ और हेल्दी रहते हैं आपके हेयर्स. I'm not against it at all because I personally come from a family where we've used and we love natural homegrown treatments और हमें बड़ा अच्छा लगता है और हम इसी में
ग्रो अप हुए हैं और हमें पता है कि नेचुरल सोर्सेज आपके लिए सबसे पहले हैं. दैट इज वाई आई थिंक माई फादर लॉन्च द फर्स्ट शैम्पू इन इंडिया मेड आउट ऑफ होम्योपैथी हर्ब्स लाइक आर्निका. Okay. So he launched it in 80s where it was a massive roar. No herbal shampoo existed. Mm-hmm. Arnica shampoo. Massive. Big. Nice. And even today, people love Arnica shampoo because it's the biggest anti-inflammatory in the world. Mm-hmm. But your question should be to me next. Ma'am, but will it work in today's right. people right. who have problems? Will a shampoo work? Akele ek shampoo kaam kar lega? नहीं, और भी तो एनवायरनमेंट भी तो है, डस्ट है, इतनी सारी चीजें हैं, स्ट्रेस है जो मेजर एक पॉइंट होता है हमारे हेयर लॉस फैक्टर. सो मेनी फैक्टर्स. आई टोल्ड यू टॉप थ्री, स्ट्रेस, फूड एंड बैड हैबिट्स ऑफ मेंटेनिंग हेयर. एंड इन्फ्लुएंस भी तो बहुत ज्यादा है ना मार्केट में. हर एक नया एड बन जाता है, कमर्शियल्स बनते हैं, एक न्यू कंपनी आ जाती है, मैं एंटी हेयर फॉल शैम्पू दे रही हूँ. ये एंटी हेयर फॉल शैम्पू एग्जिस्ट करते हैं, होते हैं, यूजफुल हैं. मैंने आज तक ना एंटी हेयर फॉल शैम्पू यूज किया है, ठीक है, और ना ही मैं बिलीव करती हूँ कि कोई शैम्पू आपका हेयर फॉल रोक सकता है. ओके. और ये बड़े से बड़े डॉक्टर्स या बड़े से बड़े रिसर्चर्स भी इसको माने ना माने, ये मेरा फर्म ओपिनियन है कि शैम्पू ना ही हेयर लॉस का नतीजा है. लाइक इट्स नॉट शैम्पू की वजह से, हाँ मैं मान सकती हूँ कभी कभी लोगों को हेयर लॉस हो जाता है व्हेन इट डजंट सूट देम. बट अगर आप मुझसे पूछ रहे हो कि शैम्पू लगाने से मैं हेयर लॉस रुक जाएगा हमेशा के लिए, नो, बिकॉज हेयर लॉस का कारण कभी शैम्पू था ही नहीं शायद. राइट. हेयर लॉस का कारण तो इंटरनल होएगा. स्ट्रेस फिजिकल या इमोशनल लेवल पे या मेंटल लेवल पे हो सकता है. फिजिकल आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं. फिर और कंडीशनर और सीरम्स, ये यूजफुल, ये भी नहीं. Conditioner is more of a feel for softer hair for women and that is a fact. So conditioner ki market men mein to badi kam hai. Women में फिर भी ज्यादा है बिकॉज ऑफ सॉफ्टर हेयर फील्स. जितने सॉफ्ट बाल होते हैं उतने कम टैंगल्स होते हैं, जितने कम टैंगल्स होते हैं उतने कम हेयर फॉल होता है. सो दैट्स व्हाई कंडीशनर इज इन द मार्केट. एंड कितना, मतलब वीक में हम लोगों को कितनी बार कंडीशनर कर लेना चाहिए नॉर्मली, जो हमारे लिए हेल्थी भी हो एंड जो हमारी प्रॉब्लम लाइक थोड़ा थिनर रहे, सॉफ्ट रहे हेयर्स, जो कि यूजफुल हो, मतलब ऐसे कोई नंबर हम दे पाए ऑडियंस के लिए. So I tell this to all my patients, Sahil, and I abide by it myself. मतलब ये रूल है, हेयर फॉल जिसको हो रहा है ना, आप पहले ये वाला चीज सॉर्ट आउट करो. ठीक है. सबसे पहले तो बाल दो बार से ज्यादा हफ्ते में नहीं धुलने चाहिए. पानी नहीं जाना चाहिए आपके स्कैल्प में दो बार से ज्यादा. बचपन में कभी ऐसा किया है कि रोज 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 शैम्पू लगा रहे हो, रोज रोज बाल धो रहे हो? नहीं. वी डिडंट ग्रो अप विद दीज प्रैक्टिसेस. आवर पेरेंट्स डिड द राइट थिंग. डांट देती थी. एग्जैक्टली. याद है, बाल खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, रोज शैम्पू नहीं लगाना चाहिए. एग्जैक्टली. और अगर शैम्पू लगा रहे हो तो उससे पहले ऑयलिंग करो. यस यस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑयलिंग करोगे, स्ट्रेंथन होगा, तब जाके शैम्पू करोगे यूज. हेयर शुड ओनली बी वॉश दो बार ही हफ्ते में. बाल उससे ज्यादा नहीं धुलने चाहिए. नीड नहीं है, नहीं है इतनी नीड. बाल ऑयली हैं, कंघी करो, ऑयल को डिस्ट्रीब्यूट करो. ऑयल स्कैल्प में फॉलिकल से आता है, कंघी करके वो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है. आई डू इट विद ऑल माय पेशेंट्स एंड देयर सो हैप्पी, देयर सो हैप्पी. सबसे पहला रीजन इज बाल जितने ज्यादा गीले होंगे उतने ज्यादा टूटेंगे. सेकेंड इज, विच ऑल्सो आई सी अ लॉट इन इंडिया नाउ, जो हमारी क्वालिटी है ना पानी की, वो खारा होता जा रहा है. Right. मैंने किसी ने मुझे बोला था गाजियाबाद नोएडा में बहुत खारा पानी है. पीने वाले पानी से बाल धो. दो बारी तो धोना है. आरओ वाटर से बाल धो अगर धोने ही है. राइट. उससे क्या होगा कि जो आपके पानी में कंटेमिनेंट्स होते हैं, जो आपके मिनरल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं आपके स्कैल्प के लिए, वो जब नहीं जाएंगे तो बाल और ये हेयर लॉस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है. सो पहले दो चेंजेस तो ये होने चाहिए. उससे ऊपर चेंजेस नहीं. और जब भी बाल धोने, जैसे आपकी मम्मी ने बोला, बिल्कुल सही कह रही हैं, जैसे ही बाल धोने उससे पहले ऑयल या कोई मास्क एग का, अनियन का लगाना ही लगाना. यस. और आपने मुझसे अनियन का एक क्वेश्चन पूछा था और उससे पहले हम डिस्कशन भी कर रहे थे. अनियन एंड एग इन इट्स होल फॉर्म इज ग्रेट. मैं आपको एक्सट्रैक्ट्स डाल के अगर वो दे भी रही हूँ, यू शुड क्वेश्चन कि कितने एक्सट्रैक्ट्स मैंने डाले. राइट. okay. और क्या right. किसी ने भी, अगर आप शैम्पू सोच रहे हो कि मैं इस इंग्रेडिएंट का शैम्पू ले लेते हैं, इज इट इवन वर्किंग? इज इट इवन वर्किंग टुडे? व्हाई? बिकॉज क्लेम है. क्लेम है ना. सो ऐसे तो मैं रोजमेरी डाल दूं, कल किसी चीज में काम करे कि शायद ना करे.
Right. The whole point is to have research, to have experience and to have loyalty within a brand. That's the difference na. Aajkal aapne kya bola? Har do din mein naya brand khul raha aur har do din mein naya brand band bhi ho raha hai. ये भी फैक्ट है. तभी आजकल हेयर प्रोडक्ट आ जाते हैं. हर सेलिब्रिटी इज लॉन्चिंग स्किन केयर लाइन. हर सेलिब्रिटी वांट्स टू गेट इनटू हेयर केयर बिकॉज़ द बिगेस्ट मार्केट. पीपल आर बाइंग. कंज्यूमरशिप है अपने पास यार. बिकॉज़ ये इनसिक्योरिटी इतनी बड़ी है एंड ये सबसे मेजर थिंग होती है जो सबसे पहले दिखती है एक पर्सन को. नोटिस में आते हैं तो ये एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट है इंडियन मार्केट में या किसी भी मार्केट में कि इसको टैप किया जाए अच्छा पैसा बन सकता है. Agreed. तो इस चीज मतलब अब ये वाले सारे फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस करे. अब नेक्स्ट आता है कि हम लोग मतलब एक्चुअली में इंडिया में यहाँ पर रहकर हमारा है थोड़ा सा डस्टी इन्वायरमेंट है, चीज़ें हैं, पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है. तो हम लोग क्या ऐसी रेमेडीज या फिर क्या रूटीन ऐसे फॉलो करें जो हमारे हेल्थ को थोड़ा हेल्थी रख सके, हेयर फॉल से हम लोग बच सके. क्योंकि मैंने कुछ लोगों से सुना है कि मेरे जेनेटिक नहीं है बट फिर भी मेरा हेयर फॉल हो रहा है, बॉल्डनेस आ रही है. तो ये मतलब जेनेटिक नहीं भी है क्योंकि एक रीजन होता है हेयर फॉल या फिर बॉल्डनेस का कि जेनेटिक होता है. बट जेनेटिक नहीं है बट फिर भी आ रहा है तो एनवायरनमेंट या फिर स्ट्रेस जो भी आपने पॉइंटर्स डिस्कस किए वो है. तो उसको हम कैसे क्योर कर सकें, रेमेडीज या रूटीन्स हम क्या फॉलो कर सकते हैं? देखो सबसे सिंपल चीज मैंने आपको बताई, बाल दो बार से ज्यादा हफ्ते में नहीं धोने चाहिए. ठीक है. नंबर वन. और जब भी धो ऑयल लगाओ, गुड ट्रस्टेड ऑयल्स इफ यू कैन. आई यूज द जबरंडी एड ऑयल. आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. आई डोंट चेंज माय ऑयल्स वेरी ऑफ्टन. एंड ऑयल को गर्म करके थोड़ा सा फिर लगाना चाहिए हमेशा. उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज बेटर हो जाती. दैट इज समथिंग आई हैव ऑब्जर्व्ड इन लॉट ऑफ हेयर कोचेस ऑल्सो मेंशनिंग कि हमेशा थोड़ा वार्म तेल लगाया करो, थोड़ा कोसा करो, कोसा करके. हाँ, कोसा करके. ज्यादा गर्म भी नहीं, फॉलिकल्स को डैमेज होएगा बट हाँ इतना. एंड सेकेंड हैबिट इज आप अपने घर में चार पांच चीजें तो रखो जो आपको खानी ही चाहिए. ड्राई फ्रूट्स जितने अगर आपके पास किशमिश है, वॉलनट है. वॉलनट बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का. आलमंड बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन ई का जो आपके बालों में शाइन और लस्टर देता है. राइट. इसकी सप्लीमेंट भी बाहर बिकती है. तो यस यस. So, almond, walnut, kishmish. And almonds ऐसे कि हमने रात को भिगो के रखे सुबह खाने हैं. अब मैं बताती हूँ. इन तीनों को भिगो दो. राइट. और इन तीनों को पानी में भिगो दो और सुबह उठ के वो पानी पीना भी है. और इनको फिर सोक्ड वालों को खाना भी है. बहुत फर्क पड़ता है. क्यों? बिकॉज एटलीस्ट जिनके बॉडी में हीट की प्रॉब्लम नहीं है, उनको हीट इश्यूज नहीं है कि मेरी बॉडी से हीट बहुत ज्यादा निकलती है. अभी से समर्स है. जैसे ही मौसम थोड़ा थोड़ा चेंज होगा ना, एटलीस्ट स्टार्ट डूइंग दिस 2 to 3 times a week. यू स्टार्ट गेटिंग द न्यूट्रिशन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. आपने कभी देखा है यूएई में, आपने भी काम कर चुके हो आप उस एरिया में, वहां पे लोग सिर्फ डेट्स से और ड्राई फ्रूट्स की मार्केट देखिए वहां पे कितनी अच्छी है. बहुत बढ़िया है. बहुत बढ़िया. और क्यों इतनी अच्छी है? और आजकल लोग वही खाते हैं. मेडिटेरेनियन फूड इट हैज टर्नड आउट टू बी द बेस्ट डाइट इन द वर्ल्ड. व्हाई? व्हाट डू दे इंक्लूड जो हम नहीं कर रहे हैं? ऑलिव ऑयल उनका है. फिर ऑलिव, फिर वहां पे ऑलिव ट्री से बना है. राइट. ऑलिव का एक सीड जो हम ऑलिव्स बोलते हैं उससे तेल वो लोग लगाते हैं, खाते हैं. राइट. और तो कुछ नहीं है. सेकेंड इज दे आर टेकिंग वेरी वेरी गुड क्वांटिटीज ऑफ ड्राई फ्रूट. अगर आप एमिरेट्स की फ्लाइट में भी चल जाओ ना, सबसे अच्छा ड्राई फ्रूट आपको वहां मिलता है. तो आपको पता लग जाता है कि यार वहां पे भी क्वालिटी है. एंड आई विल ऑब्वियसली से दैट देयर इन नेशंस लाइक दीज वेयर दे आर ईटिंग लोकल, दे आर ईटिंग ड्राई फ्रूट्स व्हिच आर लोकल टू देम. दे आर ईटिंग फूड डेट्स आर लोकल टू देम. दे आर नॉट ईटिंग फॉरेन फूड्स लाइक अस. वी आर ऑब्सेस्ड विद फॉरेन फूड्स. माय ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस इज गो बैक टू योर ओन इंडियन रूट्स. Eat that tori, tinda, sabji that you were avoiding. क्योंकि वही pumpkin seeds हैं. Hello, pumpkin seeds कोई खास नहीं है. ये वही है. एक बार मैं स्मूदी बना रही थी and I noticed यार ये तो pumpkin seeds वही हैं जो मैं अपने उसमें खाती हूँ, उसमें सब्जी में खाती हूँ. And notice हम क्या कर रहे हैं, you know, ये सब सब्जी में nutrition है. And local सब्जीज, हाँ. और अब also millets सबसे बड़ी चीज हमारे लिए न्यूट्रिशन प्रोफाइल बढ़ाने के लिए. जिसको डायबिटीज है प्लीज स्टार्ट स्विचिंग टू मिलेट्स. ज्वार, बाजरा, रागी, बहुत अच्छे मिलेट्स हैं. फॉक्सटेल, क्या क्या नहीं आता मार्केट में. मिलेट्स लेकर आओ, सोक करो और उनको घर में लेकर आओ. क्यों? मिलेट्स में प्रोटीन होता है, न्यूट्रिशन होता है. वीट में वो अब कम होता है क्योंकि वीट भी हाइब्रिडाइन लग गई है. और वीट में ग्लूटेन होता है जो अब ज्यादा हो रहा है हमारी बॉडीज में क्योंकि हम खाते ही रोटी आटे के. और आटा आया कब था? ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आया था.
क्यों? बिकॉज मिलेट्स एक्सपेंसिव है और मिलेट्स एक्सपेंसिव थे उस टाइम पे और अवेलेबिलिटी कम थी. आज है ना, बट आज भी बहुत सारे लोकल एरियाज में वो खाए जाते हैं. महाराष्ट्र नॉर्मली अच्छा डिनर में या ब्रेकफास्ट में उसी चीज को प्रेफर किया जाता है. आई एग्री, राइट. I'll be honest with you, मेरे जितने महाराष्ट्रियन पेशेंट्स है ना, अगर वो मिलेट्स और लोकल्स है ना, इफ दे आर हैविंग फिश व्हिच इज अगेन वेरी गुड, इफ दे आर हैविंग देयर लोकल लोकल फूड व्हिच आई हैव सीन महाराष्ट्रियंस आर वेरी प्राउड पीपल, दे हैव इट, देन का हेयर लॉस नहीं होता. मेरे महाराष्ट्रियन पेशेंट्स में आई हैव वेरी रेयरली सीन हेयर लॉस अगर वो लोकल लोकल खा रहे हैं. नॉट पीपल हु कम एंड सेटल इन मुंबई, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल पीपल. लोकल पीपल इन पंजाब, लोग लुक बैक एट देयर स्ट्रेंथ, व्हाई इज इट सो गुड? क्योंकि जो घर में गाय होती है उसी का दूध उसी का घी आ रहा है, कमर्शियली नहीं आ रहा ना, तो न्यूट्रिशन तो अच्छे से मिल गया. क्योंकि उसी गाय को आप ही तो चारा खिला रहे हो, तो जो उसके अंदर से आ रहा है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, राइट. फिर एंड इन फैक्ट अगर हम उनको खिला रहे हैं तो हम सही खिला रहे होंगे, और फिर जब वो उससे आ रहा है तो. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे रिसोर्सेज जो आसपास हैं उन्हें यूज किया जाए. सेकंड चीज ये है, फर्स्ट डेफिनेटली थी कि बालों की प्रैक्टिस जैसी हो, अपने बालों पे कम से कम केमिकल्स कलर्स लगाओ, कम से कम. स्पीकिंग एज अ वुमन, कलर इज नॉट द सोल्यूशन. इट्स नॉट द सोल्यूशन. बाल पतले होते हैं कलर के बाद, ट्रीटमेंट्स के बाद. आप केराटिन और ये सब तो बहुत ट्रेंडिंग है, केराटिन स्मूदनिंग, ये सारी चीजें बाल पतला करेगी ही करेगी. एंड आई एम सेइंग इट एज अ वुमन आल्सो. उनके बालों में वॉल्यूम होती है, कर्ल्स होती है, वो स्मूदनिंग करा लेते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू लुक इजी प्रेजेंटेबल एंड फास्ट एक्सेस. कि बाहर से घर से बाहर जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं होती. प्रॉब्लम ये है दैट द काइंड ऑफ डैमेज यू डूइंग टू योर हेयर, बिकॉज जो बाल उगेगा वो तो कर्ली होगा ना, वो स्ट्रेट थोड़ी होगा. राइट. सो चार दिन बाहर जाने के लिए यू ऑल्सो पीपल वॉन्ट फास्ट एक्सेस टू लुक अ सर्टन वे. वाई कांट यू लुक द वे यू आर? एग्जैक्टली. आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, आई वोंट नेम दिस कंट्री. पीपल इन दैट कंट्री हैव स्टार्टेड गेटिंग सो मेनी ट्रीटमेंट्स डन, एवरी पर्सन लुक्स द सेम. Every person looks the same. मतलब एक बंदे के साथ होते थे, अब पूरा देश ही एक जैसा है. Yes. के साथ हम शक्ल होते हैं, पूरा देश एक जैसा है. मैं उस दिन टीम में बैठी, मैंने यहाँ पे देखा साइड में, मैंने यहाँ पे देखा साइड में, मैंने कहा सारे एक जैसे लग रहे हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है. क्योंकि सबने सर्जरी करा रखी है. कभी किसी ने यहाँ से, कभी यहाँ से, और एक ही सर टाइप की सर्जरी होती है, सबको ही वैसा लगना है. राइट. तो फिर ये फैक्ट है हमारे, और हमारे देश में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को जितना माना जाएगा ना, जितना बोला जाएगा, उतना हम अपने रूट से पीछे हो रहे हैं. और मैं ये इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ग्रोइंग अप एज एन इंडियन मुझे इतना पता है दैट हमारे रूट्स बहुत स्ट्रांग है. जब इंडिया से बाहर विग्स बन के जा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ना अपने में. और इंडिया ही सबसे बड़ी मार्केट है, तो आपके सारे फॉरेन ब्रांड्स यहाँ ही क्यों आ रहे हैं कंज्यूमरिज्म के लिए? यू शुड आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन. और बिफोर यू बाय अनदर ड्रेस कंपेयर करना कि इंडियन ब्रांड कोई ऐसा है कि मुझे कपड़ा दे सकता है. व्हाई वी नॉट प्रमोटिंग आवर ओन कंट्रीज इकोनॉमी? फिर यही फिर बाद में कहते हैं कि बाहर के देश ज्यादा डेवलप्ड है, हम ही डेवलप करते हैं. इंडिया में बहुत पैसा है, कंज्यूमरिज्म इज एट इट्स पीक. बहुत ज्यादा पैसा है, बस पॉइंट ये है इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं और एक गलत डिसीजन लेने के लिए रेडी रहते हैं लोग यहाँ पे. इन्फ्लुएंस्ड बाय इन्फ्लुएंसर्स हु आर पेड टू इन्फ्लुएंस यू. थैंक यू. गॉड, नाइस, वेरी नाइसली सेड. टुडे मॉर्निंग आई हैड अ मैसेज ऑन माय टीम. ठीक है, वी मेक सोप्स, प्लीज प्रमोट दिस. आई सेड, माय टीम रिप्लाइड इमीडिएटली दैट मैम हैज अ फॉलोइंग ऑफ दिस मच एंड वी नीड टू ट्राई द प्रोडक्ट फर्स्ट. ओके, सो द रिप्लाई डिडंट कम because I'll try the product. And very conveniently they said, no, just tell us the charges, just tell us how much, you know, we have to pay you. My problem is today we're living in Kaliyug where paisa is valued. Main paise ki bahut qadar karti hu, and today sitting on a day where we are really really grateful for money. Kya paisa aapke deenaman se bhi zyada important hai? Ho gaya hai aaj ke time pe, ho gaya hai. Main as an influencer एंड कॉन्टेंट क्रिएटर ये प्राउडली कह सकती हूँ दैट जब भी मैंने किसी भी ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करी है आई हैव टेस्टेड देयर प्रोडक्ट्स माइसेल्फ एंड आई हैव देम इवन टुडे. आई लव देम. इफ आई लव देम देन आई एम गोइंग टू सेंड इट बिकॉज आई नो द वर्थ ऑफ इट.
मैं क्यों सोचूंगी कि मैं आपकी हेल्थ बर्बाद करूं? और मेरे को ये आई वांट टू आस्क पीपल दिस क्वेश्चन, आप किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हो? उनके पास कौन सी डिग्री है? राइट, कौन सा डेटा है? पीपल आर पेड टू इन्फ्लुएंस यू. आई एम नॉट अगेंस्ट द इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्री. आई एम सेइंग वॉच व्हाट यू आर सीइंग. इट्स सैचुरेटेड. आई एम एन इन्फ्लुएंसर माइसेल्फ. आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट आई एम सेइंग वॉच व्हाट यू आर बाइंग, बिकॉज एवरीथिंग इज कमिंग एट द प्राइस ऑफ योर मनी. People are spending money so they can get your money. This is business, right? Of course. So treat it as business and think before you buy. What are your top three things you should think before you buy any product? Number one, brand loyalty, brand trust, and brand space in the market. कितना लंबा है वो brand? कितने time से चला है? इसकी कितने लोग following के हैं? कितने लोग ले रहे हैं? कितने testimonials हैं? जाओ हर जगह. product या नहीं है? हर जगह जाके देखो. Time नहीं है ना, तो test करो कि brand कितना पुराना है. नया नया brand आया है तो of course वो launch strategy में पैसा डालेगा ही डालेगा. तो अगर आप उसको यूज कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स नहीं आ रहे, दिस इज अ प्रॉब्लम एट योर एंड बिकॉज यू हैव मेड द रॉन्ग डिसीजन. एंड इफ यू आर हैप्पी विद योर स्किन केयर, विद योर हेयर केयर, डोंट एक्सपेरिमेंट. हमारी कंट्री में बहुत हो गया बिकॉज सबके पास पैसा है, दे वांट टू एक्सपेरिमेंट. ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ. दैट्स नॉट द सॉल्यूशन. जैसे हम लोग इसी चीज के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, आजकल वो कोरियन हेयर रूटीन, स्किन केयर और ये बहुत सारी चीजें रेगुलर बेसिस पर इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट कर रहे हैं. उनके प्रोडक्ट सेपरेट ब्रांड्स बन रहे हैं, रेगुलर बेसिस पर चल रहे हैं. तो ये चीज है कि इन्फ्लुएंस ऐसे होता है इंसान. आप काउंटलेस वीडियोस देख लो, काउंटलेस रिसर्च देख लो, कोरियन पीपल की स्किन वैसी क्यों है? अगर आप एक नॉर्मल कोरियन से भी पूछ लो ना, या नॉर्मल उस नेशनैलिटी, जिस भी नेशनैलिटी का आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, उससे पूछो, जाके जाओ उसकी कंट्री में देखो, उसका नॉर्मल से नॉर्मल बंदा जो स्किन केयर नहीं भी लगाता ना, वो भी वैसा ही लगेगा. क्यों? Why? Environment है वहाँ पर. Environment, खाना पीना, genetic lineage. We don't, you and I don't come from that lineage. Right. We will probably never have glass skin from a treatment like that. True. अब मैं लगा के कर सकती हूँ, but genetically तो नहीं आएगी ना, naturally तो नहीं आएगी ना. Problem भी तो आती है. फिर पता है आपको मैं सबसे बड़ा चीज क्या बोलती हूँ, जो मेरे patients को psoriasis, eczema, simple dryness, कोई भी skin disease हो ना, मैं बोलती हूँ जस्ट आफ्टर हैविंग अ शावर, नहाने के बाद कोकोनट ऑयल लो, लगाओ पूरी बॉडी पे, उसमें नेचुरल बैक्टीरिया होता है. इट्स द मोस्ट नेचुरल थिंग. हमारी कंट्री में अवेलेबल है, लगाते नहीं है, हमें दूसरी स्किन की तरफ. बचपन में भी तो मॉम डैड सब लोग कितना प्रेफर करते थे कि पूरी बॉडी की मसाज की जाए. अभियंगा कहते हैं इसे. कितनी बड़ी प्रैक्टिस है ये. बहुत. फिर कितने सालों तक कराते हैं वो इसी रीजन की वजह से. सो ये प्रैक्टिसेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो ये ना क्विक सारी चीजों के रिप्लाई, क्विक हर एक इंस्टेंट हम लोगों को सॉल्यूशन चाहिए. ये अगर एक पेड़ है, चलो ये तो आर्टिफिशियल पेड़ है, बट ये जो रियल पेड़ है, हमने रियल रखा था, प्रॉब्लम आ गई, उनका ध्यान नहीं रख पाए, तो हमने आर्टिफिशियल रखते हैं. एग्जैक्टली. एक बात बताओ, जो रियल पेड़ होते हैं कितना टाइम लेते हैं ग्रो होने में, फल देने में? बिल्कुल. आज मैं अगर आपके एवोकाडो का पेड़ लगाऊं ना, मेरे बच्चों के बच्चे खाएंगे जाके. 20 साल तो 10 साल 15 साल कहीं नहीं गए उस पेड़ को उगने में, फिर उसका पहला फल आने में, फिर आके काम होएगा. राइट, मेरे को 10 साल तो कहीं नहीं गए करते करते. अगर आप मुझे ये बात बताओ, आप जो इंस्टेंट चीजें मांग रहे हो, क्या वो नेचुरल लॉ ऑफ लाइफ से सिंक करता है? नहीं हो सकता. कोई भी सक्सेस ओवरनाइट लास्ट करती है? नहीं. क्यों? कोई लॉ ऑफ लाइफ है नहीं. फास्ट एक्सेस, अर्ली एक्सेस, झटपट लड़का मिलना शादी के लिए, लड़की मिलना शादी के लिए, दीज थिंग्स आर नॉट एक स्वाइप करो सब मिल जाता है. नहीं होता ऐसा. रियलिटी इज डिफरेंट, वेरी डिफरेंट. AI इज गिविंग यू फास्ट सर्विसेज, दैट डजंट मीन यू आर लिविंग अ फास्ट लाइफ. यू आर स्टिल लिविंग अ लाइफ वेयर इफ थिंग्स आर नॉट हैपनिंग एट अ सर्टेन पेस, दे आर नॉट मूविंग एट द लॉ ऑफ लाइफ. And law of life grows at its own pace. So time लगता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है. हम लोगों को सारी चीज चेक करके चलनी चाहिए एक्चुअली में. ठीक है. एंड यहीं से अब न्यूट्रीशन और इन सब चीज़ों की बात करें, तो मार्केट में ना बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं, जैसे हेयर गमीज आ गई हैं. हम लोग खाएं, हमें न्यूट्रीशन मिलेगा, हेयर फॉल रुकता है. तो ये एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो कर रहे हैं. क्या ये सही है, फायदेमंद है लोगों के लिए? कि क्योंकि नॉर्मल भी जैसे प्रोटीन इंटेक करते हैं लोग, कि हम लोग इतने सारा खाना नहीं खा सकते जिससे कि हमारे प्रोटीन इंटेक पूरा हो पाए, तो इस वजह से हम प्रोटीन लेते हैं. तो क्या ये गमीज हैं हेल्पफुल हम लोगों के लिए? गमीज के अंदर जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉब्लमैटिक नहीं है. गमीज के अंदर जो शुगर है वो प्रॉब्लमैटिक है. सो गमीज
अगर आप न्यूट्रिशन के फॉर्म में सोच रहे हो लेने के लिए कि मैं दिन में एक बार ले रहा हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम. न्यूट्रिशन प्रोफाइल अच्छा है ना, किसी ने देख के ही बनाया है, किसी ब्रांड ने देख के ही बनाया है. न्यूट्रिशन देखो, वो खा लो. ऑल्सो न्यूट्रिशन गमीज क्यों आए मार्केट में, इजी टू हैव है, राइट? बच्चों के लिए चबाओ खाओ, उनको टेंशन नहीं रहती, इजी टू हैव है. प्रॉब्लम ये है, गमीज में शुगर तो होगी ना. अब आप अगर आप सोच रहे हो कि आप गमीज को तीन तीन चार चार महीने खा रहे हो और आपका वेट क्यों इंक्रीज हो रहा है, तो सॉरी दैट्स योर प्रॉब्लम. यू शुड सी कि उसमें कितना शुगर है. जो चीजें हमेशा नेचुरल आती है ना, उनकी कदर नहीं है हमें. और जो चीजें, मेरे को गमीज से प्रॉब्लम नहीं है, आई रिस्पेक्ट गमीज फॉर द न्यूट्रिशन प्रोफाइल. यहाँ तक कि फ्यू माई पेशेंट्स हैव हैड गमीज एंड आर ओके विद हैविंग गमीज. मेरे को गमीज से प्रॉब्लम नहीं है, ना ही उनके मैन्युफैक्चरर से. मेरे को प्रॉब्लम है कि अगर आप चीनी वाली चीज खा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि गमीज गलत है, तो आपको पता नहीं था कि उसमें न्यूट्रिशन भी है और चीनी भी है. अब आपने चाय में कितनी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज होती है पता है, उसके अंदर टैनिन्स होते हैं जो मैसिव एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. हमने चाय को खुद बर्बाद किया इंडिया में. क्यों? क्योंकि हमने चाय में चीनी डाली, डेयरी का दूध डाला, इलायची, हर्ब्स ओवर कर दिया कि उसकी न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज खत्म हो जाती हैं. तो आज चाय ज्यादा पीने से जो बोलते हैं पेट में अल्सर हो रहे हैं, हो रहे हैं. लोग 10-10 बारी चाय पियेंगे तो होएगा ना, पेट में गर्मी पैदा होगी ना. दिस इज अ प्रॉब्लम. चाय ओरिजिनलिटी में अगर आप कैमोमाइल टी लो, आप अपने मिंट टी लो, कितनी अच्छी है ये. बिल्कुल. ऐसे अकेले अकेले हर्ब्स में पानी के साथ बड़ी अच्छी. किसी ने बोला ग्रीन टी में हम चीनी नहीं डाल सकते. मैंने कहा ग्रीन टी में चीनी डालने का फायदा क्या है, नॉर्मल चाय. ग्रीन टी के बारे में बड़ा फैड हुआ था कि वेट लॉस में हेल्प करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है. आप सिंपली ये चीज करो, सुबह अगर किसी को भी गैस और एसिडिटी गट की प्रॉब्लम है, धनिए के दाने जीरा और अजवाइन स्प्रिंकल करो, थोड़ा सा स्प्रिंकल, थोड़ा सा पैन में एंड उसमें पानी बॉईल कर दो, एक उबाला आ जाएगा इजीली. वो थोड़ा सा येलो हो जाएगा, राइट? ठीक है. बस उसके एक उबाले आने का वेट करना है, वो येलो हो जाएगा, आपको वो छान के पीना है. एंड अगेन अगर वो भी काम ना करे, होम्योपैथी में भी गैस्ट्रोएडिक रेमेडी है वैक्सीन की, वो आती है, आप काम कर सकते हो. बट ये जो सुबह का मैंने मिक्सचर बताया ना, ये गट के लिए बहुत अच्छा है. जिसको भी गैस है ये मिक्सचर पियो, बहुत अच्छा है. गैस की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत फर्क करता है. बहुत फर्क पड़ता है. तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को अभी से ही नहीं, वो प्रॉब्लम एग्जैक्टली लाइक अगर हम लोग जो गलत चीजें हमारे रूटीन्स में ला रहे हैं, जो भी मतलब एक्स वाई जेड जो भी स्टेप्स लेते हैं ना, वो हमें गलत जगह लेकर जाता है. अदरवाइज तो नॉर्मल ही है हमारी लाइफ. पहले अगर हम लोग एंसेस्टर्स की बात करें तो वो लोग भी तो नॉर्मल लाइफ जीते हुए ही आए हैं, बहुत अच्छी लाइफ जीते हुए. इनफैक्ट मेरे पापा की, या फिर आप लोगों ने भी पहले देखा होगा कि हमारे उनकी हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होती थी. एंड अब हम स्ट्रगल करते हैं वो वॉल्यूम पाने के लिए, वो मतलब कि हाँ हैवी ईयर्स हो. एंड बॉयज प्रेफर कि हाँ हमारे थोड़े हैवी ईयर्स हो. तो ये चीज़ नहीं हो पाएगी. अब मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने ना अपने क्लिनिक में ये कॉम्बिनेशन दिया है और ये क्लिनिक में मेरे हेल्प किया. मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले उनका न्यूट्रिशन प्रोफाइल चेक करती हूँ पेशेंट्स का. अगर डेफिशिएंसी है तो मैं उनको हेयर एंड नेल टैब देती हूँ, जो यही वैक्सीन के आती है मैं दे देती हूँ. क्यों? क्योंकि उसमें सारी चीजें हैं, जिंक, बायोटिन सी, जो भी इंपॉर्टेंट है. और अगर उसको ज्यादा होती है तो मैं अलग से एक और उसके लिए दे देती हूँ. अगर B12 हो गई या D हो गई तो मैं अलग से देती हूँ अपार्ट फ्रॉम दिस, बट ये हमेशा काम करती है. सेकेंड, मैं हेयर रिवाइवर देती हूँ जो मैंने खुद बनाया, क्योंकि मुझे खुद हेयर लॉस हो रहा था. तो मैंने 4 हर्ब्स कंबाइन करके, 5 हर्ब्स कंबाइन करके अपने सर पे लगाई और मेरे बाल आ गए. तो वो मैंने जब खुद किया, मेरे बैग में भी रहता है, हमेशा रहता है, लाइक एवरी टाइम. मैं उसके बगैर कहीं जाती नहीं और मैं उसको गिफ्टिंग में भी मैं ही वही देती हूँ. इट्स द बेस्ट सोल्यूशन, मतलब. और फिर मैं वो दो चीज, एक्सटर्नल हो गया, इंटरनल हो गया. तीसरी मैं देती हूँ होम्योपैथी की मेडिसिन इंटरनली, उससे काम होता है. चौथा, हेयर केयर हैबिट्स, तेल लगाना बिफोर वॉशिंग, जो मैं आपको बताया जबरन डिएट करती हूँ. इन 5 चीजों से हेयर लॉस रुकता है हमेशा, मैं फेल नहीं होती इसमें. रुक जाता है, बट और बाल भी उग जाते हैं. बट अब आप बोलोगे बाल कितने टाइम में उगते हैं. हाँ, होम्योपैथी क्योंकि लोग कहते हैं कि स्लो प्रोसेस है सर. अब ना यहाँ पे ये कैच है, इट्स नॉट अबाउट होम्योपैथी और एलोपैथी. बाल ग्रोथ एक स्लो प्रोसेस है. जो आपको यहाँ बाल दिख रहा है, राइट, उसका एक फेज है, उसका एक पूरा साइकिल है. एक बाल का, यस, एनाजिन, कैटाजिन, टेलोजिन, एक्सोजिन, ये एक फेज होता है पूरा बाल का, उगने का, बंद होने का, झड़ने का, ये सारे फेजेस होते हैं बाल के. वो नॉर्मल होता है, इट्स ए नॉर्मल साइकिल ऑफ हेयर जो स्टडी करी गई है.
प्रॉब्लम यहाँ ये है कि हम चाह रहे हैं कि आज मैं प्रोडक्ट लगा रही हूँ कल बाल उग जाए, कैसे हो गए? नहीं हो पाए। एक सेंटीमीटर ग्रोथ आती है 3 महीने में, एक सेंटीमीटर ग्रोथ एवरेज में, और फिर आपको छोटी 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 दिखती है, थोड़ा थोड़ा स्कैल्प कवर होता है 3 महीने के बाद, तो आपको लगता है हाँ प्रोडक्ट काम कर गया। एटलीस्ट 3 महीने एक प्रोडक्ट को तो दो, इफ यू आर ट्राइंग योर बेस्ट विद अ न्यू प्रोडक्ट, गिव इट। वही सेम चीज, प्रोसेस को फॉलो करना slow पड़ता है यार, स्लो। बट ये फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट, इतना ज्यादा फास्ट ग्रोइंग और हर चीज जल्दी चाहिए, तो फिर इन सारी चीजों को मिला मिलो के ही जब प्रोडक्ट्स आते हैं और जो इतने कमिटमेंट देते हैं, क्लेम्स करते हैं इतने बड़े बड़े, तो इंसान वहां शिफ्ट हो जाता है। फिर वो सोचता है कि नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे या 7 दिन में हो जाए, जो कि बहुत लोग क्लेम करते भी हैं। मेरे कई पेशेंट हैं जो पीआरपी करा रहे हैं। हाँ, पीआरपी एंड प्लाज्मा रिच प्लेटलेट थेरेपी होती है, एंड वो होती है जब आप अपने स्कैल्प में प्लेटलेट रिच, प्लाज्मा का मतलब होता है जैसे आपकी बॉडी, आपके ब्लड में प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, एंड एक बार वो जो ब्लड होता है मशीन में ये लोग घुमाकर प्लाज्मा रिच ब्लड कर देते हैं, जैसे प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना देते हैं। इट्स वेरी रिच, मतलब आपके फॉलिकल्स को न्यूट्रिशन देने के लिए वो स्पेसिमेन काफी है। आप वो स्पेसिमेन सीधा अपने स्कैल्प पे डालोगे एंड ब्लड को न्यूट्रिशन मिलता है, बाल उग जाते हैं पीआरपी में। प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि ये प्रोसीजर एक माइनर सर्जिकल प्रोसीजर होता है, राइट? माइनर सर्जरी तो होती है पीआरपी, आप किसी भी टॉप कंसल्टेंट के पास चल जाओ, इट इज अ माइनर सर्जरी। पेशेंट्स आर गेटिंग इट डन, देयर आर सम पेशेंट्स ऑफ माइन हु आर सेइंग दैट नो वी वांट टू गेट इट डन एवरी मंथ एवरी वीक because they want fast 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 results. I don't believe in that. I haven't ever gotten that and I will never do that for one reason. Today I don't know the side effects of that treatment, right? I don't know it. Okay. So how can I get it done? Kya side effects ho sakte hain? I don't know as of yet, but there could see initial side effects sabke hote hain. Main minor surgery aapke scalp pe karu, aapko bhi dizziness hogi, headache hoga, pain to hota hi na. हमें एक कोई चूटी काट दे पेन होता है तो सोचो उसमें कितना दर्द होएगा जब एक एक फॉलिकल में प्रॉब्लम। पूरा ट्रांसप्लांट करा रहा होता तो फुल, वो तो फुल हेड ट्रांसप्लांट है, एक एक फॉलिकल लगता है, एक एक फॉलिकल। हार्मफुल होता है? हार्मफुल डिपेंड्स ऑन द पर्सन एंड देयर बॉडी। हार्मफुल में कैसे बोल सकते हैं, कहीं अगर आप नॉन प्रोफेशनल्स के पास जा रहे हो, अनप्रोफेशनल्स के पास जा रहे हो। टर्की ने ना मेडिकल टूरिज्म में ये बड़ा बिजनेस कर लिया, एंड टर्की इज नॉट रॉन्ग, क्योंकि टर्की चीप कॉस्ट में अच्छी ट्रीटमेंट दे रहा है। बट क्या हर डॉक्टर टर्की में अच्छा है? नहीं। वही पॉइंट है, टर्की में डेंटल ट्रीटमेंट भी बहुत सस्ता है, बट क्या हर डॉक्टर टर्की में अच्छा है? नहीं। देख के, रिसर्च करके अगर आपको जाना भी है टर्की से ये कराने, माई ओनली आस्क इज, बट इंडिया में अब अच्छे खासे सेंटर्स हैं, बिफोर यू थिंक ऑफ पीआरपी or any other minor surgical procedure or even anything that is harmful for your scalp, हम पहले बोलते हैं ना यार तेल लगा के देख लेते हैं, ये बोल रहे थे ना, तो आप इंडियन प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखो, हेयर रिवाइवर ट्राई करके देखो, आप टीन्स फॉलो करो, रेमेडीज पे जाओ, न्यूट्रिशन प्रोफाइल ठीक करो, अपने आप नेचुरली ग्रोथ आएगी जो लॉन्ग टर्म होती है। क्या पीआरपी कराने से, मैं ये बोल रही हूँ कि पीआरपी या हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद जो नया बाल यहाँ पे आता है वो भी टिकेगा? अगर न्यूट्रिशन अच्छी नहीं होगी, नहीं टिकेगा, वो भी गिर जाएगा। वो तो फिर भी आर्टिफिशियल है, वो तो जल्दी गिर जाएगा। एग्जैक्टली, अब इट्स नॉट एग्जैक्टली आर्टिफिशियल, इट्स एक्चुअली फॉलिकल ओनली, फिर भी वो बनाया जाता है ना, वो नेचुरल नहीं है जो हमारी बॉडी में आया हुआ है, उसमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और लोग ये रियलाइज नहीं करते कि अभी के जो हमें साइड इफेक्ट्स नहीं पता, अब जैसे बोटॉक्स के साइड इफेक्ट्स अभी सामने आ रहे हैं, लोगों ने तो करा लिया ना, और करा भी रहे हैं, फिर बहुत बड़ी फिगर्स में करा। यू नो इट्स वेरी सिंपल, बोटॉक्स पता है बनता किससे? वो बेसिकली आपका मसल पैरालाइज करता है ताकि ये जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं फेस पे थोड़े कम आ जाए। बोटॉक्स गलत नहीं है, जो करा रहे हैं उनकी पर्सनल चॉइस है, एंड इसकी पूरी इंडस्ट्री है ना, रिस्पेक्ट दैट इंडस्ट्री, बट क्या आपके लिए ये फ्यूचर में अच्छा है? जो आप प्लास्टिक सर्जरी का नाम देते हो, जहां पे आप प्लास्टिक सर्जरी है क्या? जो इंसर्शंस बनते हो किस चीज से बनते हैं? उसमें माइक्रोप्लास्टिक्स नहीं होते क्या? माइक्रोप्लास्टिक्स आपके ब्लड में नहीं जाते फिर? सो पीपल नीड टू वेरीफाई कि क्या मेरे लुक्स इतने इंपॉर्टेंट है मेरे लिए किसी और के लिए नहीं, मेरे लिए, कि मैं इतना हार्म पहुंचा रही हूँ। आज मैं फिलर करा रही हूँ तो क्या मेरे लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है?
और मुझे गुस्सा, मैंने पहले भी बात इंस्टाग्राम पे बहुत प्राउडली बोली है, मुझे गुस्सा उन लोगों पे आता है जो स्किन केयर लाइन लॉन्च करते हैं और खुद अपने ऊपर चार ट्रीटमेंट करा के बैठे होते हैं। दैट्स सो अनफेयर। आई एम नॉट सेइंग यू शुडंट डू इट, यू डू इट ना, बी हैप्पी, बट इट्स रॉन्ग टू द ऑडियंस, इट्स रॉन्ग। If I'm applying hair reviver, I can easily say and gift it to you and say, "Yar, it's good for the hair. Try it." मेरे patients बोलते हैं मैं use कर रही हूँ, I can vouch for it. But can I really vouch for a product like that where I have no claims, yar? And I'm doing surgery. I'm not telling you about the surgery, and I'm doing something else. Will you ever trust a person like that? No, you shouldn't. So that's the problem. And ये है market में बहुत बड़ी problem. और ऐसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती इस वजह से है क्योंकि गलत इन्फ्लुएंस आता है। हाँ, एंड वो गलत इन्फ्लुएंस आ इस रीजन की वजह से रहा है कि मार्केट में लोगों को अच्छा खासा पे किया जा रहा है वो गलत इन्फ्लुएंस करने के लिए। ये भी बात सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट एक और टॉपिक है यही हेयर से ही रिलेटेड कि हेयर ड्रायर्स और जो स्ट्रेटनर्स होते हैं, जैसे आज के टाइम पर ना लोगों को सब कुछ जैसे हमने डिस्कस किया क्विक चाहिए, अब ना क्या है तुरंत हमें वेट हेयर्स नहीं चाहिए, हमने ड्रायर यूज़ कर लिया और लोग रेगुलर करने लग गए हैं। ऐसी किसी को लाइक एक वुमेन को पार्टी में जाना है, उन्हें डायरेक्टली स्ट्रेट कर लिए और वो इतनी हीट ज़्यादा होती है, जैसे मैंने भी कभी ड्रायर में बहुत कम यूज़ करता हूँ बट जब भी यूज़ करता हूँ तो हीट काफ़ी, क्योंकि जल्दी चाहिए जल्दी ड्राई करने और कंप्लीट करने, तो ये सेफ होता है? और अगर होता भी है तो कितना फ्रीक्वेंट करना चाहिए? जैसे कहते हैं कि अगर आप रेगुलर ड्रायर करते हो तो यहाँ से हेयरलाइन पीछे जानी स्टार्ट हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। इफेक्ट है, इफेक्ट है, हेयरलाइन पीछे जाएगी अगर आप ज्यादा हीट टूल्स यूज करोगे, ये फैक्ट है, आप इससे भाग नहीं सकते। अब आप नॉर्मल नोट कर लो, टुडे मॉर्निंग आई वाज एट अ शूट, राइट, एंड द हेयर पर्सन टोल्ड मी वन थिंग, उसने मुझे एक बात बोली, हेयर स्टाइलिस्ट ने, कहते आपको पता है सारी मॉडल्स के ना बाल खत्म हो जाते हैं इसलिए मैं उनको ना हेयर रिवाइवर दे देती हूँ। मैंने कहा क्यों दे देते हैं, उनके बाल क्यों खत्म होते हैं, ऐसा क्या है, इनका प्रॉब्लम क्या होता है, क्या खाते पीते नहीं है मॉडल्स, क्या प्रॉब्लम है? कहते एक तो खाते पीते ठीक नहीं है, उनके बाल उगते नहीं है, तीसरा रोज स्टाइलिंग होती है, रोज ड्रायर लगता है, रोज जेल लगता है, रोज कुछ ना कुछ लगता है, तो बाल तो इनके खत्म ही हो जाते हैं। तो जितने आपको शूट में दिखते हैं वो एक्सटेंशंस होते हैं और जो आर्टिफिशियल हेयर होते हैं। तो मैंने कहा ये रियलिटी है? कहते हाँ। तो मैंने कहा ये जो शूट वूट होते हैं ब्रांड के हेयर प्रोडक्ट्स के, कहते हैं उसमें भी एक्सटेंशंस लगते हैं ताकि लुक एंड फील कैसे आएगा शूट में कि मैं ऐसे करूंगे मेरे बाल उड़ेंगे, ये वाला शैम्पू लो। फैक्ट है, ये बात सही है, इससे आपको पता होना चाहिए कि ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है। मुझे अभी तक याद है मैंने हेयर रिवाइवर का एड शूट किया था, ठीक है, और मेरे पास जो वहाँ का मेकअप बंदा है ना वो आज मेरा पेशेंट है। तो हाँ, तो मेकअप और हेयर दोनों, तो हेयर वाली ने बोला कि आप अपना खुद मॉडल बनो और आप खुद करो। मैंने कहा ठीक है, ये राइट भी है, मैंने कहा खुद बनाया तो खुद ही करो और खुद दिखाओ लोगों को कि तुम सही काम कर रहे हो। तो उन्हें बोला एक्सटेंशन लगाओ, मैंने कहा क्यों एक्सटेंशन लगाओ, मैंने कहा क्या मतलब है उस चीज का, मैंने कहा एक्सटेंशन में क्यों लगाऊ, मैंने कहा अगर मेरे को ये एक्सटेंशन लगा के झूठ बेचना है तो उसका फायदा क्या है? बिल्कुल नहीं। सो आई शॉट विद माय नेचुरल हेयर, इसे बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज आई हैव बीन यूजिंग हेयर रिवाइवर फॉर अ ईयर एंड सो आई नो दिस इज द राइट प्रोडक्ट एंड द हेयर कलर इज राइट, एवरीथिंग इज राइट। आई सेड नो, आई एम नॉट गोना यूज एक्सटेंशन फॉर एनी पर्पस। आप शादियों में जाओ टुडे, आज औरतों को अच्छा लगने के लिए हेयर स्टाइलिस्ट बोलता है कि एक्सटेंशन लगा लो, वॉल्यूम ज्यादा आ जाएगी, और लोग लगा लेते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर आप एक टाइम के लिए बोल रहे हो आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू वेयर दिस फॉर टुनाइट्स फंक्शन एंड लुक गुड एंड वॉल्यूमलेस बाल चाहिए, देखो सबको बाय द एंड ऑफ इट अपने लुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लुक्स इज द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन विल नो यू, और बिफोर दे इवन स्पीक टू यू दिल सी दैट फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? दैट्स व्हाई इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ना आज मेकअप स्किन केयर की, कॉस्मेटिक बहुत बड़ी इंडस्ट्री, राइट? एंड सेल्फ केयर इज ऑल्सो नॉट अ बैड थिंग, आई फर्मली अग्री विद दैट। बट मेरा कहना ये है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी चीज ये है, देन वाई, यू नो दैट्स द होल क्वेश्चन, वाई? सो जब हम विग्स वगैरह की बात करते हैं, एंड लॉट ऑफ पीपल इन द मार्केट टुडे, somebody who's also doing hair extensions and wigs for people who genuinely don't have hair. Okay. उनकी कहानी बहुत अलग होती है साहिल। साहिल उनकी कहानी क्यों अलग होती है? They've gone through years and years of maybe alopecia totalis, जहाँ उनके eyebrows, face, कहीं body के एक part पे बाल नहीं होंगे और उगेंगे नहीं क्योंकि autoimmune condition है। उसको कितने time में fix करे, क्या करे, किसी के पास solution नहीं होता, right? One thing is that. Second is people, old people also go through hair thinning. थायराइड इश्यूज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हेयर फॉल और हेयर थिनिंग की होती है, सबसे बड़ी, अनगोज अनडायग्नोस्ड। दिस इज व्हाई आई गेट अ थायराइड प्रोफाइल डन हमेशा,
जिसको हेयर फॉल हो रहा है थायराइड प्रोफाइल कराओ, थायराइड डेविएशंस आते हैं, कई लोगों में आते हैं, जब तक ठीक नहीं करोगे हेयर फॉल आता है। ये दो चार चीजें ना हमें नोट करनी पड़ेंगी। अब अगर आप बोल रहे हो कि एक बार मैं विग या एक्सटेंशन लगा रही हूँ मैं उसमें कंप्लीटली गलत हूँ, नहीं, अगर किसी को अच्छा लगने के लिए कुछ करना है ये आपके ऊपर है कि आप किस हद तक उसको करना चाह रहे हो। अगर मैं रोज एक्सटेंशन लगाऊं और मैं रोज स्कैल्प पे वो हैवी हैवी एक्सटेंशन पहनूं, जो मेरे नेचुरल हेयर है ना वो भी निकल जाएंगे। क्यों? बिकॉज इट्स हैवी, इट पुल्स योर हेयर, इट टग्स ऑन योर स्कैल्प, इट्स गोइंग टू कॉज अ डैमेज, प्रॉब्लम आएगी, राइट? फिर दिस इज अ फैक्ट दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि कोई चीज अगर एक बार करने के लिए अच्छी है हमेशा के लिए अच्छी नहीं है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है एक तरह से। एंड इसी मार्केट में ना एक बहुत फेमस टर्म है, दैट इज मिनोक्सिडिल, जो कि ऑलमोस्ट हर पर्सन नहीं सुनी होगी जो भी इस इशू में कभी ना कभी फंसा हो या फिर कभी डॉक्टर के पास विजिट किया हो। तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंटर्स मैं आपसे पूछना चाहूँगा हमारी ऑडियंस के लिए, क्या सही है क्या गलत है। मिनोक्सिडिल बहुत फेमस है एंड यूजुअली इट इज़ द फर्स्ट मेडिसिन और ड्रग यू कैन से दैट्स प्रिस्क्राइब्ड फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जिन जिन लोगों को हेयर लॉस होता है उनको मिनोक्सिडिल का सीरम दे दिया जाता है कि आप ये लगा लो, आपके बाल रीग्रो भी हो जाएंगे और हेयर फॉल भी रुक जाएगा। मिनोक्सिडिल से हमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें प्रॉब्लम यहाँ है कि मेरे क्लिनिक में और मैंने काफी पेशेंट्स में ऑब्जर्व किया, मिनोक्सिडिल लेने के बाद प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस होता है। मिनोक्सिडिल को आप छोड़ नहीं सकते ऐसे ही कि मैंने आज लगाया चलो बाल ग्रो हो गए, हेयर लॉस खत्म, खत्म, ओवर, नो। व्हेन यू स्टॉप यूजिंग इट Then of course product dependent hair loss. जब तक मैं product लगा रही हूँ बाल सही है, नहीं लगाऊंगी नहीं होगा, इसलिए लोग tapering off करते हैं उसकी minoxidil की, कम कम जिनको साल लगते हैं that dermats भी observe करते हैं ये चीज, but आज भी लोग लगाए जा रहे minoxidil। मेरे को minoxidil से problem नहीं है, मेरे को इस बात से है that it is not a long term solution कि मैं जी सीरम्स पे ही बाल लगाए जाऊं। एंड जो चीज प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस है, अगर आपने छोड़ दिया किसी भी प्रॉब्लम की वजह से या किसी भी चीज की वजह से, हेयर लॉस आएगा और घमासान हेयर लॉस आएगा, ज्यादा आएगा, उसको यूज नहीं करेंगे तो ज्यादा नहीं बोल सकती बट स्ट्रॉन्ग आएगा, जो बाल उग गए हैं ना वो भी गिरेंगे। प्रोडक्ट डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस है, मिनोक्सिडिल की गलती थोड़ी है, गलती तो इस चीज की है दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन आपके चार फैक्टर्स से आता है, हेल्थ, डाइट, second your sleep, your stress levels, third making sure that you are having the right kind of hair practices, and fourth maybe the fact that aapka shampoo conditioner mein natural origin thoda sa ho aur chemicals aap kam lagao jo claim kar rahe hain wo hai ho actual mein। I feel like see natural organic bahut bade terms hai, bahut bade, aur inko itna easily label karna ye organic hai ye mere baalon ke liye acha hai ye cheez galat hai kyunki hum labels mein hi phans jate hain। Don't, this is what the industry is doing. I come from this industries, you know, and I know Sahil coming from this industry means that you get exposed to a lot. You know what is happening. And my ask to you is look at products that have stood out the time and tested and have been time and tested in the market. जो प्रोडक्ट 40 साल से चल रहा है मार्केट में किसी फेथ से चल रहा होएगा वो चीजें देखो, ऑर्गेनिक, SLS फ्री, इन सब चीजों में मत जाओ, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जो ऑर्गेनिक, पैराबेन फ्री, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। आजकल हर चीज में केमिकल है, हर चीज में। अपने आप ये बोल रहे हो ना कि मैं अपने बच्चे को क्या दूं, आपका ये भी क्वेश्चन था कि अब बच्चों में प्रॉब्लम आएगी जो आप पूछ रहे थे उसमें क्या दूं। यस, होम्योपैथी इज अ गुड सोल्यूशन फॉर दैट, यू शुड थिंक अबाउट इट। होम्योपैथी में हम ये भी चीज लाइक फाइट कर सकते हैं कि जैसे अब स्ट्रेस तो इन द एंड रहना ही है, जिस हिसाब से हमारी एनवायरनमेंट है, फास्ट ग्रोइंग है, इतना ज़्यादा जेंजी, बहुत ज़्यादा एकदम से कि मुझे सब कुछ जल्दी करना है, सब कुछ जल्दी अचीव करना है, तो ये बाय प्रोडक्ट है, हमारे पास आएगा स्ट्रेस, तो उसको हम लोग कैसे क्योर कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल थ्रू होम्योपैथी? हाँ जी, डेफिनेटली पॉसिबल है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू ब्रिंग वन पॉइंट बैक एंड आई विल प्रोबब्ली बी एडेड। प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस की जब मैं बात कर रही थी ना, हाँ जी, हेयर रिवाइवल में ही नहीं होता। ओके, नहीं होता, क्यों नहीं होता? वो भी तो एक्सटर्नल है, ये भी तो एक्सटर्नल है, दोनों स्प्रे ही तो है या दोनों सीरम्स ही तो है, तो उसमें क्यों नहीं होता, एक में होता है? बिकॉज हेयर रिवाइवल में हर्ब्स होती हैं एंड हर्ब्स प्रोडक्ट डिपेंडेंट हेयर लॉस नहीं देती। जिस टाइम आप हेयर रिवाइवल लगाना छोड़ोगे साथ ही साथ साथ आपका न्यूट्रिशन प्रोफाइल सही होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, प्रोडक्ट डिपेंडेंट नहीं है।
ये बहुत बड़ा फैक्ट है दैट हेयर रिवाइवर में अगर आप लगाना, मैंने कई पेशेंट हैं जो आप लगाना छोड़ चुके हैं, कई मैं खुद आई अप्लाई हेयर रिवाइवर सर्टेन मंथ्स ऑफ द ईयर. अभी मैं लगा रही हूँ राइट, अभी मैं लगाऊंगी अगस्त तक, सितंबर तक, क्योंकि हेयर फॉल सीजन आ रहा है हेयर रिवाइवर, बिकॉज बाल कौन सा होता है सीजन, ये रेनी सीजन, समर टू रेन्स में हेयर फॉल होता है, डैम्पनेस बढ़ती है, स्कैल्प में इचिंग आती है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, इन्फेक्शन ज्यादा होती है, डैंड्रफ ज्यादा आता है, विटामिन डी नहीं मिलता तो उसकी डेफिशिएंसी ज्यादा होती है. और बारिश में अगर आपने देखा है खाने पीने में भी परहेज हो जाता है, फिश नहीं खाते बारिश के सीजन में, तो न्यूट्रिशन भी थोड़ा कहीं ना कहीं कम आ जाता है. वेजिटेरियन लोग क्या करें फिर? जो वेजिटेरियन लोग हैं वो प्लांट टाइप प्रोटीन खाए, प्लांट प्रोटीन्स होते हैं जो नेचुरली मिले, सबसे बड़ा सोर्स प्रोटीन का, सबसे बड़ा सोर्स मिलेट्स है, खाओ डेली का प्रोटीन कार्ब वहीं से मिल जाता है. टोफू, पनीर, दाल, कहीं ना कहीं ये प्रोटीन्स हैं. हाँ, उनमें वे प्रोटीन जितना प्रोटीन नहीं होगा कि आपको बिल्कुल ग्रेट मसल्स दे दे, बिल्कुल आपको बॉडी बिल्डर बना दे, पर उनमें इनफ प्रोटीन है अगर आप राइट तरीके से उनको बनाओ और खाओ. स्प्राउट का सैलेड खा लो, चने खा लो, हमस खा लो, प्रोटीन सोर्सेस कितने ज्यादा हैं. वेजिटेरियन ही हाँ, एनी डे आई टर्न इनटू अ वेजिटेरियन. सो आई वाज या सो आई ग्रू अप अ नॉन वेजिटेरियन, एंड ग्रू व्हेन यू ग्रो अप अ नॉन वेजिटेरियन इन अ पंजाबी हाउसहोल्ड यू हैव एवरीथिंग यू डू. सो व्हाई डिड यू लीव इट फर्स्ट, लेट्स आस्क यू. सो मैंने तो रुद्राक्ष वेयर कर लिया था, तो उसके बाद मैंने छोड़ दिया था. मैंने भगवत गीता पढ़ ली थी सिमिलर हो गया सॉर्ट ऑफ, तो मैंने वो पढ़ ली थी, तो उसके बाद उसमें दिखाया जाता है कि आप किसी को अगर हार्म करके खा रहे हो तो यू शुड थिंक अबाउट इट. देखो अगर आप अब इवन नाउ, सो आई टर्न टू अ वेजिटेरियन, प्राइमरीली आई एम अ वेजिटेरियन वेयर आई अवॉइड एग, मीट एंड ऑल द थिंग्स दैट दैट वी कैन, बट वेजिटेरियन में बहुत सोर्सेज हैं, बहुत सोर्सेज हैं. लास्ट टू इयर्स से मैं भी कुछ चेक आउट कर रहा हूं, बहुत स्पिनेज की रोटी बन जाती है आजकल. अब मैं घर जाऊंगी, आई हैव अ वेरी गुड सैलेड, उसमें भी कितनी चीजें होंगी, पीनट्स होंगे, चार पांच चीज पीनट्स होंगी, नट्स, ड्राई फ्रूट्स में डाल लेती हूँ, मैंगो डाल लेती हूँ, सारी सब्जियां होती हैं, यहाँ तक कि कड़ी पत्ता जो हम लोग बनाते हैं ना, मैं उसका पाउडर भी बना लेती हूँ. साउथ में एक बड़ी अच्छी चीज बनती है पोड़ी. हाँ. पूड़ी क्या होती है, लेंटिल्स को हाँ, बिल्कुल ऐसे ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं. क्या होता है, सबसे अच्छा प्रोटीन, चार दालों को करके इतना अच्छा प्रोटीन है, और उसको डोसे के साथ खाते हैं साउथ में, परफेक्ट है. यू नो दिस इज व्हाट पीपल डू. वेजिटेरियन प्रोटीन्स बहुत है, बहुत है, बहुत है, राइट. और यही लाइक हमारा जो क्वेश्चन हमने ड्रॉप किया था कि होम्योपैथी से हम स्ट्रेस लेवल को कैसे. हाँ जी, सो होम्योपैथी में एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो मैं खुद लेती हूँ स्ट्रेस के लिए, और मेरे सारे पेशेंट लेते हैं, एंड साथ ही में ये एक ऐसी रेमेडी है जो फूलों से बनी है. ओके. हाँ, तो इसमें कोई साइड इफेक्ट है ही नहीं, मतलब स्ट्रेस के लिए जो एंटी डिप्रेसेंट्स और जो स्लीप मेडिसिन ले रहे हैं ना, उनको इस रेमेडी के बारे में सोचना चाहिए. ये है फाइव फ्लावर रेमेडी फ्रॉम डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडीज. ये स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. मतलब मैं तो इसका कोर्स भी कर चुकी हूँ, पूरा पढ़ चुकी हूँ एक एक रेमेडी के बारे में, और मैंने ये नोट किया है कि ये रेमेडी आपको जितना शांत बना देती है ना, ये इससे आपको कभी डिपेंडेंसी नहीं होगी. बेस्ट बात तो ये है, एक बार ही ले लेता है इंसान, उसको लगता है यार मेरे को हमेशा स्ट्रेस के लिए लेनी पड़ेगी, मेरे को एंजाइटी के लिए लेनी पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं. ओनली टेक इट व्हेन इट्स नीडेड. सिर्फ और सिर्फ फ्लावर हैं, कोई कैनबिस नहीं है जी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आज लोग डरते हैं यूज करने से, नहीं है. Only flowers. And किसी को अगर buy करनी है, लेनी हो तो how they can approach? So it's called Five Flower Remedy and it's available on buyvaccine.com. You can get it there. आप Google पे search करो, आजकल तो हर जगह मिल रही है. Description में भी link डालूँगा. हाँ हाँ. And put it in water and 10 बूंदे पानी में डालो. बहुत अच्छी है. बहुत अच्छी है. ठीक है. Nice. तो मैं भी, हम जिस environment में रहते हैं, हम भी बहुत stressful रहते हैं, तो हम लोग भी for sure उसको use करेंगे. हाँ, आपको भिजवा देंगे. ठीक है. तो नेक्स्ट, यहीं से मतलब आप हेयर लॉस पे और इन सब चीजों पर भी काम करते हो, और कौन कौन से पॉइंटर्स है जिनको हम कवर अप कर सकते हैं, क्योंकि एक इसी के साथ एक इनसिक्योरिटी और है मार्केट में और हम जिंजी में, कि हाइट नहीं बढ़ती है या फिर छोटे रह गए हैं. अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, खुद तो जो ठीक है अपने आप को फेस कर लेंगे, बट जो आसपास वाले लोग जो ताने मारते हैं या कुछ भी बोल देते हैं, वर्ड बोल देते हैं, तो हाइट के रिलेटेड भी हम लोग
क्या क्या कर सकते हैं या स्टार्टिंग से ही लाइक यंग जनरेशन ही क्या क्या कर सकती है जो कि हेल्पफुल करे कि उनकी हाइट एक अच्छी ग्रो अप हो जाए। जेनेटिक है सारी चीजें है बट फिर भी क्या कर सकते हैं हम लोग अपनी हाइट के लिए? ये तीन चीजें जरूर करें। अगर आपके बच्चों की हाइट आपको बढ़ानी है और अच्छी हाइट रखनी है या अपनी हाइट थोड़ी सी अच्छी रखनी है इन द ग्रोइंग स्पैन ओनली, सो ये तीन चीजें मैंडेटरी हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितना एक्सरसाइज लॉन्गवर्ड्स करेंगे ना, अपवर्ड्स करेंगे ना, उतनी हाइट बेटर होती है। आपने कभी देखा है बास्केटबॉल में सेंटर प्लेयर्स को हमेशा यस आई वॉज अ सेंटर प्लेयर माई सेल्फ, तो मुझे पता है कि मेरी हाइट उससे बड़ी है और डेफिनेटली बढ़ती है। आप एक्सरसाइज से काफी चीजें बदल सकते हो। इसकी मूवी बनी है, इस पर चीजें हैं दैट आप एक्सरसाइज करो एवरी सिंगल डे, आपकी लेंथनिंग हो सकती है ओनली इफ यू डू एक्सरसाइज मैंडेटरी इन सर्टन फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स। एक योगा में होता है पश्चिमोत्तानासन, जहाँ पे आप आराम से ऐसे कर सकते हो एंड यू कैन एक्चुअली स्टैंड ऑन योर टोज एवरी डे फॉर अबाउट 2 मिनट्स मॉर्निंग इवनिंग, फर्क पड़ता है, इट हेल्प्स। मेरी मम्मा करती थी कोविड में घर से जब वो योगा करती थी, बहुत फर्क पड़ता है। फर्स्ट इज दैट, सेकेंड इज टेक गुड न्यूट्रिशन, बहुत फर्क पड़ता है अच्छी डाइट लेने से। बच्चों को पिज्जा बर्गर वही सब्जी अगर रोज रोज खिलाओगे कहाँ से न्यूट्रिशन आएगा? बच्चे अगर सिर्फ पनीर खा रहे तो पनीर खिला दो, नहीं, उनको सारी सब्जियों से एक्सपोजर दो, उनको अच्छा खाना पीना दो, घर पे खाना बनाओ। हाँ, किसी भी नूडल ब्रांड जैसा मैंने बोला उस पर नहीं मिलता है। एंड तीसरी चीज इज आपको ऑफकोर्स आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, हाइट बढ़ाने के लिए आपको न्यूट्रिशन अगेन, एक्सरसाइज अगेन, एंड आपको अपनी जेनेटिक लिनेज देखनी पड़ेगी। तीसरी चीज, आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जी आई कम फ्रॉम 6 फुट यू नो बैकग्राउंड जहाँ पे सारे 6 फीट के हैं, 5 फीट के कोई नहीं है, एंड मैं को जी बच्चे को 6 फीट नहीं करना। जेनेटिक लिनेज बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके हाथ में नहीं होती है, सो जेनेटिक लिनेज को रिस्पेक्ट करो, मेरा मतलब ये है बोलने का। अगर कोई कम्युनिटी है उसमें सारे लोग एट अ सर्टेन हाइट होते हैं, आई डोंट थिंक दैट दैट्स अ रॉन्ग थिंग। अपने बच्चों को ये गलत चीज बोलना बंद करो कि तुम्हारा बच्चा अगर हाइट में छोटा है वो गलत है, डोंट डू दैट। हमारी होम्योपैथी में एक रेमेडी आती है हाइट एड करके, एंड मैं सच बोलती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती, वो रेमेडी का एक्शन इन तीनों फैक्टर्स के साथ ही अवेलेबल होगा, वरना नहीं पॉसिबल होएगा। ये तीनों फैक्टर्स नहीं है वो भी काम नहीं करेगी। सो हाइटेड ट्राई कर सकते हो, ये तीनों फैक्टर्स एक्सेप्ट करो और कहीं ना कहीं अपने बच्चों को ये मत बोलो कि अगर वो हाइट में अच्छे नहीं है तो कहीं से कम है। हाँ, बच्चे मतलब लोग पेरेंट्स तो नहीं बोलते बट आसपास वाले लोग अच्छा खासा लाइक पिंच करना कुछ भी बोल देना, ठीक है। नेक्स्ट जो और भी लाइक मेजर है जो बढ़ता जा रहा है कॉन्स्टिपेशन, गलत फूड की वजह से, कुछ भी उल्टा सीधा खाने की वजह से, या और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उसको कैसे क्योर कर सकते हैं? कॉन्स्टिपेशन बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा, मतलब अडल्ट्स में सबसे बड़ा ब्रांड है जो इसी पे मार्केट करता है, और साथ ही में बच्चों में भी यही है, बच्चों में भी कॉन्स्टिपेशन होती है, तो जी इसके लिए भी सिरप्स बने हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, बच्चों को या अडल्ट्स को अगर कॉन्स्टिपेशन हो, पहला ये चीज चेक करो पानी, वाटर इनटेक कितना है। अच्छा, वाटर इनटेक बढ़ाओ, फर्स्ट थिंग शुड बी दैट। कितना होना चाहिए यूजुअली? देखो मैं लीटर्स पे तो नहीं जाऊंगी बट मैं इतना बोलूंगी कि आपके बच्चे के आप अपने आसपास हमेशा एक बोतल रखो, क्योंकि लीटर्स ना बड़े कहते हैं ना एक बड़ी सब्जेक्टिव टर्म्स है, मतलब अगर मैं किसी को बोलूं जिसको यूरिन प्रॉब्लम है और वो ये यूज कर रहा है 7 लीटर वो तो गया, और जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है वो बार बार यूरिन जाएगा फिर, है ना, इस इज गलत। सो आई विल से दैट आप एटलीस्ट एवरी आवर, स्पेशली बिकॉज ऑफ इतनी हीट भी बढ़ गई है, एवरी आवर यू मस्ट टेक एटलीस्ट 2 ग्लासेस ऑफ वाटर। इतना तो आपको सिप करते करते, सी अडल्ट्स में इतना बोलूंगी, बच्चों में थोड़ा कम, 1 ग्लास Every hour, think of just 1 glass, sipping 1 glass, छोटा सा glass ले लो, उसको sip कर दो, it'll help you. पानी में कभी कोई problem नहीं होती है, of course. Hydration ही है आपकी body के लिए, और आपका body 70% water है, right. And दूसरी चीज़ है constipation के लिए पानी बढ़ाना, second is fiber include करना, fiber जितना आप अपने बच्चों को दोगे, कटा हुआ खीरा छिलके के साथ, छिलके के साथ बहुत अच्छा है constipation के लिए, ओके, बहुत अच्छा है। एंड साथ ही में जब अपने बच्चों को मिलेट्स देते हो, मिलेट्स ना ड्राइंग होते हैं, तो पानी में भिगो के दो चीजें सोक करके, हाँ हाँ,
सूप्स दो बच्चों को, कॉन्स्टिपेशन चली जाती है, बेटर हो जाती है. एक्सरसाइज करवाओ, अडल्ट्स एंड बच्चे दोनों जब एक्सरसाइज करेंगे ना, एक चीज टर्म होती है रनिंग पू. जब लोग एक्सरसाइज करते हैं उनको मोशन आ जाता है, क्योंकि खिलता है ना आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने आप मोशन आता है. तो दीज आर टू थ्री थिंग्स आपको रखनी ही रखनी है. बट अगर ये भी आपकी चीजों में काम नहीं करे, आपको कॉन्स्टिपेशन है, बच्चों में AC7 बहुत अच्छा काम करती है, वैक्सीन की आती है बच्चों में, मैं उनको वो दे देती हूँ. अडल्ट में मैं देती हूँ लैक्सेट ग्रैनुल्स और लैक्सेट टैबलेट, वो भी हर्ब्स की बनी हुई है. वो एक लैक्सेटिव है, ये एक मेडिसिन है, तो वो दे देते हैं. ठीक है. एंड स्टम बच्चों में एक प्रॉब्लम हो रहा था स्टमक एक, वॉर्म्स, इसको कैसे टैकल करें? स्टमक एक के लिए मैं हमेशा बोलूंगी बच्चों में गैस बड़ी जल्दी बन जाती है, बचपन से बनती है. कि हम उनको देते ही दूध है, और मदर्स फीड तो आजकल इतना आ ही नहीं रहा कि जी आप एक एक साल तक फीड दो, छः छः महीने के बाद तो मदर भी एग्जॉस्ट हो जाती है, उसको अपना काम करना है, उसको आगे बढ़ना है जिंदगी में भी. तो हम उसको फॉर्मूला पर डाल देते हैं. फॉर्मूला के जो इंग्रेडिएंट्स हैं कभी कभी इतने क्लीन नहीं होते, कॉलिक बनाते हैं, स्टमक एक बनाते हैं. फिर ग्रोइंग एज में पेन होता है, क्योंकि बच्चे जब बाहर का खाते हैं अन्न, उनको प्रॉब्लम होती है. बाहर का भी ना खाएं, घर का भी खाएं, उनको स्टमक इश्यूज होते ही होते, गट डेवलपिंग होती है. तो स्टमक एक के टाइम पे एक मेडिसिन आती है गैस्ट्रोएट वैक्सीन की टैबलेट, आप वो दे सकते हो. और एक आती है नक्स ओमेगा 30 वैक्सीन की लिक्विड आता है, ये दोनों आप दे सकते हो. वर्म्स के लिए वर्म सी बहुत अच्छी टैबलेट है, ये सेफ होती है, होम्योपैथिक होती है, आप दे सकते हो. सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स दैट सिंपली पीपल कैन डू फॉर दीज टॉप प्रॉब्लम्स दैट वी फेस. मुझे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पर ही बात कर ली है, जो कि हेल्पफुल होगी अगर कोई भी पर्सन लास्ट तक देख रहा है. तो हम एक रैपिड फायर करते हैं, जो कि लाइक 3 मिथ्स और 4 मिथ्स हम लोगों ने, लाइक मैंने हाइट से रिलेटेड भी एक है, तो येस, एंड अगर येस है तो कैसे और क्या नहीं, आप उसके आंसर थोड़ा जल्दी से करेंगे हम लोग. फर्स्ट ऑफ ऑल, लटकने से लोग कहते हैं ना कि लटको, बहुत देर तक लटको, तो उससे हाइट बढ़ती है? हाँ, बढ़ सकती है. बढ़ सकती है, ठीक है. नेक्स्ट, हेयर लॉस का एक रीजन मास्टरबेशन भी होता है? कई हो सकता है, यस हो सकता है, ठीक है. फ्रीक्वेंट शैम्पू यूज करने से, जो कि हम लोगों ने बात भी करी है, हेयर लॉस होता है जब अगर हम रेगुलर कर रहे हैं, जो कि आपने ऑलरेडी वैसे आंसर दे दिया, ठीक है. यस, सेकंड थर्ड फोर्थ पे जाते हैं कि ड्रिंकिंग स्मोकिंग से भी हेयर लॉस होता है? डेफिनेटली होता है. ओके, ऐसा क्यों? स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दोनों चीजें आपकी बॉडी के लिए क्यों नहीं अच्छी? स्मोकिंग कहीं ना कहीं एक एडिक्शन है. आप वेपिंग बोलो, स्मोकिंग बोलो, दोनों में निकोटीन और एक हार्मफुल इंग्रेडिएंट होता है, राइट? क्या करता है ये? एक इन्फ्लेमेटरी एजेंट होता है. इन्फ्लेमेटरी एजेंट जब बॉडी के अंदर जाता है, इन्फ्लेमेशन पैदा करता है ना, सिंपल चीज. अब वो कहीं पे भी करे बॉडी में, वो आपकी लिवर में करे, हेयर फॉल में करे, कहीं पे भी करे. एंड स्मोकिंग से ऑक्सीजन भी कम जाता है बॉडी में, राइट? ऑक्सीजन भी कम क्यों जाता है? क्योंकि जो निकोटीन होता है, जो अंदर उसका मॉलिक्यूल जब आपकी लंग्स में जाता है, देन द अब्सॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन बिकम्स मच लेस. तो सिंपल है, फूंकना बंद करो. अगर हम लोगों को हेयर लॉस हो रहा है, एंड हमारे लिए सबसे बेटर ऑप्शन क्या रहेगा? हेयर ट्रांसप्लांट, या फिर हम होम्योपैथी की साइड जा सकते हैं, जो थोड़ा हम लोगों को हेल्प करेगा बट थोड़ा डिले में हेल्प करेगा? पहले होम्योपैथी देख लो जितना हो सकता है, हेयर रिवाइवल लगा के देख लो, होम्योपैथी मेडिसिन खा लो, उस पर असर नहीं होता है. फिर भी अगर आपको और जल्दी जल्दी ट्रीटमेंट चाहिए और जल्दी जल्दी हेयर ग्रोथ चाहिए, यू कैन ऑलवेज गो टू पीआरपी. ठीक है. नेक्स्ट मिथ है कि ओसीपी से भी हेयर लॉस की प्रॉब्लम आती है? यस, कुड बी. कई बार अगर ओसीपी सूट नहीं करती, एंड ओवर द काउंटर पिल्स, जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, अगर उसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल हो, आपको एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है. डेफिनेटली उसकी कोई गारंटी नहीं होती कि हमेशा ही सेफ होता है. दूसरा, मोस्ट बर्थ कंट्रोल्स आर हार्मोन्स. आप अपनी बॉडी के हार्मोन पैनल के साथ खेल रहे होते हो, तो एक्सपेक्ट योर बॉडी टू रिएक्ट द सेम वे. राइट, थैंक यू सो मच गाइस. सो जितने लोगों ने भी यहाँ तक देखा है, अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस हैं, जो कि हम लोग मैं चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को हम लोग इतने अच्छे से शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, कि ये जो एक्चुअल नॉलेज है, जो कि अवेयरनेस नहीं फैलती है मार्केट में, फैले, अच्छे से फैले. और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको फिल आउट करो, सो आई कैन अप्रोच हर अगेन, एंड कि हम लोगों के और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम दोबारा नए नए रैपिड फायर बनाएंगे. सो दैट यू कैन जस्ट गिविंग यू अ क्यू, आई थिंक जस्ट यू टू यू एंड योर टीम, द नेक्स्ट पॉडकास्ट शुड बी ऑन मेल सेक्सुअल हेल्थ. डन. इट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम टुडे आफ्टर हेयर फॉल. यू हैव नो आइडिया हाउ मेनी पीपल आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस.
and how much we've done in homeopathy with this and how much done. We've helped people with this problem so that so if you really want ki haan uske jitne bhi myths hain ya problems hain ya usko kaise hum log tackle kar sakte hain to uske liye we want your questions jo ki hum log put karenge and of course hamare paas acche acche answers aayenge thank you so much